नमस्कार साथियों, अभी मैं जबलपुर भेड़ाघाट माँ नर्मदा के तट पे हूँ और जा रहा हूँ अभी मैं आगरा। आज यहीं स्टे किया हूँ और मदर को लेके, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट एलोपैथी का ऑलमोस्ट अभी अब बंद हो चुका है। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है कि एलोपैथी के दवा अब शरीर इनका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप इनकी जितना अच्छा सेवा सत्कार हो सके और अगर कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी का आप इनका ट्रीटमेंट हो तो आप ट्राई करिए। आप लोगों के आशीर्वाद से दोस्तों मदर बहुत ज़्यादा अच्छा रिकवर की हैं। हॉस्पिटलाइज थी 15 डेज और उस दौरान तो एक समय ऐसा था कि उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन सबके आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, आप सब लोगों की बेस्ट विशेस, इन सब के बदौलत, परिवार का सपोर्ट, इन सब के बदौलत माता जी काफ़ी अच्छा रिकवर कर लिए हैं। अब तो चल फिर लेती हैं, अपने से सब नित्य क्रिया भी कर लेती हैं। एक समय बहुत तकलीफ था, तो इन सब के लिए आप सब लोगों ने मेरे कठिन समय पे बहुत सपोर्ट दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद दिल से। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। और रही बात ट्रेडिंग की दोस्तों, तो इस दौरान तो आप सबको पता है कि मेरी ट्रेडिंग स्पेशली ऑप्शन की बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बट हाँ मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। ओवरनाइट का ट्रेड जो मैंने वीडियोस में और टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को शेयर किए हैं, तो ये सब चलती रहेंगी। कुछ अच्छे दिन भी आएंगे, अभी ख़राब दौर चल रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारी अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक मकसद ये भी है कि एक तो मैं करेंट स्टेटस से आप लोगों को अपडेट कर दूं, दूसरा कि अभी अगेन 2-3 दिन अभी टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो अपलोड नहीं हो पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स के नाम आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से, और पहले भी मैंने इसके बारे में बहुत बात किए हैं, क्योंकि स्टॉक के मतलब ट्रेड मेरे बहुत ही वंडरफुल रहे हैं इस साल। और यूँ कहूँ कि अगर स्टॉक मुझे 400-500% रिटर्न दिए तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसमें BSE लिमिटेड है, REC, IRFC है, राइट, और जो मैंने आप लोगों को भी दिए हैं, और एक तो था CDSL, लगभग 100% ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। रिसेंटली मैंने एक स्टॉक और आप लोगों को शेयर किए हैं, मैंने एक पॉडकास्ट में भी इसके बारे में जिक्र किया था, याद होगा आप लोगों को, नाम था जियो फिनाइंस। अब इसके बारे में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चल रही हैं, इसके बारे में जब मैं वापस आऊँगा तो बहुत डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। बट अगर आप लोगों ने 234-230 के आसपास परचेस किया होगा तो आज 340 के आसपास है, ऑल टाइम हाई, और इसमें और भी मूवमेंट अभी पॉसिबल है। तो ये तो रहे जो मैंने कुछ स्टॉक आप लोगों के लिए शेयर किए थे। अभी रिसेंटली एक स्टॉक और इसी तरीके से निकलने वाला है, इसके बारे में आप लोगों को आज मुझे अपडेट करना था। नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। अब इसके पीछे का कुछ लॉजिक आपको शेयर करता हूँ। एक तो दोस्तों 1400 के आसपास लिस्ट हुआ, लगभग 200%, राइट, बहुत अच्छा रिटर्न मिला। मैंने परचेस किया था इसे ग्रे मार्केट में 1049 के लेवल में, राइट। अब मैं आपको लॉजिक जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए कि 1070 इसका लो है, और मैं आप लोगों को वीडियो में भी और टेलीग्राम चैनल में भी मैंने कई बार इसके बारे में शेयर किया है कि इस स्टॉक को परचेस करो, मतलब परचेस करना चाहिए, मैं कौन होता हूँ बोलने के लिए, ठीक है कि करो, लेकिन इसको परचेस करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी लिया है और जब लिस्ट हो गया तब भी लिया है, ग्रे मार्केट में लिया था। उसका एक डीमेरिट और मेरिट ये है, डीमेरिट ये है कि 6 महीना तक ब्लॉक है अभी मेरे डीमेट में, मैं उसको बेच नहीं सकता, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकता। मेरिट ये था कि मुझे मिल गया था, मतलब IPO में तो बहुत लोगों को टाटा टेक्नोलॉजीज का मिला नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन उसका आया था, राइट, तो ग्रे मार्केट में लेने का एक फ़ायदा मुझे हो गया था। अब देखिए स्टॉक ना, मुझे लगता नहीं कि 1050 के नीचे जाएगा, और अभी चल रहा है लगभग 1130 के आसपास,
जैसे मैं मंथली कैंडल या और वीकली कैंडल इनसाइट पैटर्न को फॉलो करता हूँ, तो ये वीकली कैंडल का ब्रेकआउट दे रहा है इनसाइट पैटर्न का, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये उसी तरीके से ब्रेकआउट करेगा जैसे जियो फिनांस ब्रेकआउट किया है। तो अगर आप लोगों को लगता है तो इस स्टॉक को उठाना चाहिए, लेना चाहिए, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप अभी इस मार्केट में, जब मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है, गिरावट की कोई संभावनाएं दिखती नहीं है, चाहते भी तो भी गिरता नहीं है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक हैं जो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, उन स्टॉक में एंट्री करना बहुत मुश्किल है। तो अगर अभी आपको लगता है कि इसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मुझे लगता है टाटा टेक्नोलॉजी अभी बेस्ट ऑप्शन में से एक हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों को और क्या फ्यूचर लगता है? आप लोग भी अपने तरफ से रिसर्च करिएगा, एनालिसिस करिएगा, अपना व्यू रखिएगा, और जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या कोई बोल दिया तो बहुत पैसा लगा दो आप, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बहुत डिटेल वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों को फ्यूचर में, क्योंकि एक तो एक ग्रुप बहुत बढ़िया है, राइट, दूसरा कि मतलब टाटा नाम ही काफ़ी है यार, राइट, टाटा नाम ही काफ़ी है। मतलब अभी तो ऐसी हाल है कि टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पाकिस्तान से उनके GDP से ज़्यादा हो गया है, राइट। तो मैं कहूँगा ना कि ऐसे सेक्टर का, और दूसरा क्या है ना कि ये अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी शेयर US मार्केट में भी देखेंगे तो सारे टेक्नोलॉजी शेयर बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी ना फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। दूसरा कि बहुत हाई मतलब प्रीमियम में लिस्ट हुआ था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग इसमें आया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया, राइट। मतलब ऑलमोस्ट टॉप से स्टॉक क्योंकि 1400 से गिरा है लगभग 1070 आसपास, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा करेक्शन दे दिया। तो मुझे लगता है बॉटम से ना अब रिवर्सल में लोग इसमें एंट्री करेंगे और फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न हमको दे सकता है। तो ऐसा व्यू है मेरा, इसलिए मैं इस स्टॉक को बहुत पहले से परचेस कर रहा हूँ, ग्रे मार्केट में भी परचेस किया, लिस्ट होने के बाद भी परचेस किया, हालांकि मेरा भाव 1100 के आसपास ही है, राइट, 1130 1140 के आसपास ही है, तो इसी रेंज में मेरा बाई है। मैं चाहूँगा कि स्टॉक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बाकी देखते हैं रिटर्न कितना मिलेगा। उम्मीद है कि मुझे ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देने वाला है फ्यूचर में। तो आई होप आप लोग टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर देखिएगा, थोड़ा एनालिसिस करिएगा खुद से भी। मैं ऐसे अभी 4-5 स्टॉक और सेलेक्ट करके रखा हूँ, इस दौरान मैं आप लोगों के लिए छोटा छोटा वीडियो बना के पोस्ट करता रहूँगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, आप सबको बहुत धन्यवाद मेरे माताजी के बेस्ट विशेस के लिए। अभी और मुझे आपकी दुआओं की और आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप बनाए रखिएगा, अपने प्यार बनाए रखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहेगा। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो आज के वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।